अस्सलामुअलैकुम, जय भीम, जोहार साथियों। मैं जावेद सैयद, आज हम बात करेंगे वायनाड सीट की। वायनाड सीट में जो 2008 को डिलिमिटेशन हुआ था वायनाड की लोकसभा सीट का, तो इस प्रकार के पहले वायनाड पूरे ज़िले में अगर देखा जाए तो वायनाड ज़िले में 28% मुस्लिम होते हैं और कुछ 50-52% हिंदू आबादी थी। लेकिन वायनाड की जो लोकसभा सीट का जो डिलिमिटेशन हुआ 2008 में, वो इस प्रकार हुआ कि वायनाड की जो सांसदी की सीट है उसमें 45% आबादी मुसलमानों की आ गई। मतलब आप ये कह दिए हिंदुओं की आबादी वहाँ पे घट के मेरे ख्याल से 25 के आसपास पहुँच गई, और अन्य धर्म भी है वहाँ पे, क्रिश्चियन है और दूसरे भी धर्म है। तो राहुल गांधी को जब अमेठी में करारी हार मिली थी तो राहुल गांधी ने अमेठी से निकलकर वायनाड, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 2019 में वहाँ से चुनाव लड़ा था और वहाँ से जीत हासिल करके, मतलब कांग्रेस का जो आज भी जो सबसे भरोसेमंद मतदाता है वो मुसलमान है, उन पर भरोसा करके राहुल गांधी जी वहाँ गए, वहाँ से जीते और वो संसद पहुँचे। अब इस साल 2024 में वो दो जगह से लड़े, यूपी के रायबरेली से और केरला के वायनाड से। अब दोनों जगह से वो 3-3.5 लाख वोटों से जीते हैं, लेकिन जब छोड़ने की बारी आई तो ज़्यादा वोटों से वो रायबरेली में जीते, तो उन्होंने तय किया कि मैं रायबरेली को रखता हूँ, और रखना भी चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूपी में कांग्रेस बढ़े, अखिलेश यादव जी बढ़े। मैं चाहता हूँ, मेरी दिल से इच्छा है कि वहाँ कांग्रेस, अखिलेश यादव और भीम आर्मी जो है चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी पार्टी यूपी में बढ़े। मैं चाहता हूँ ये, वहाँ पे हमें कुछ नहीं है, राहुल गांधी यूपी में काम करें। लेकिन वायनाड सीट जब उन्होंने छोड़ा था तो वहाँ से अब बहन प्रियंका जी को खड़ा किया जा रहा है। अब आप ये सोचिए, जिस सीट पर 45% मुस्लिम आबादी है वहाँ से मुस्लिम हिस्सेदारी खाने का किस तरीके से कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है, और हम देख चुकी है कांग्रेस के राज में भी, तेलंगाना में भी मुसलमानों पर दंगे हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, हम देख चुके हैं कांग्रेस के राज में, कर्नाटक में भी कुछ हद तक के हुए, उतने ज़्यादा नहीं हुए हैं लेकिन हुए हैं। हम देख चुके हैं हिमाचल का मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, मुझे जो पूरी तरीके से एक छुपा हुआ संगी लगता है, वहाँ पे उसने हिंदुत्ववादी गुंडों को पूरी तरीके से छूट दे के रखा है कि आप मुसलमानों के खिलाफ जो करना चाहे करो, हमारी पुलिस आपको कुछ नहीं करेंगी। ऐसे लोगों को कांग्रेस से सबसे पहले उनके हाथ में एक शॉल और नारियल देके कांग्रेस से चलता कर देना चाहिए, और कांग्रेस को चाहिए जो कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद वोटर है वो मुसलमान है, तो मुसलमानों की हक मारी ना करे, मुसलमानों को आबादी के हिसाब से लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन दे, मुसलमानों को आबादी के हिसाब से जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ रिप्रेजेंटेशन दे। अभी 3 राज्यों में चुनाव है, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार में। तो मैं चाहता हूँ कांग्रेस और आरजेडी जो बिहार की है, महाराष्ट्र में जो है सेक्युलर दल में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस माननीय शरद पवार साहब की है और उद्धव साहब की शिवसेना, ये लोग मुसलमानों को महाराष्ट्र की जो आबादी है 11.56 के हिसाब से इनको रिप्रेजेंटेशन दे, और सुनिश्चित करे कि ये लोग भी विधानसभा में पहुँचे, ये लोग भी राजनीति के बड़े स्तर पर जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होंगी। आप आने वाले राज्य को चुनाव को लोकसभा चुनाव की तरह नहीं लीजिए। लोकसभा में मुसलमानों और दलितों का ध्येय जो था, श्रेय, उनका जो एम था, उनका जो गोल था, वो ये था कि मोदी को किसी तरीके से सत्ता से हटाना है, और उसके लिए उन्होंने सबसे शक्तिशाली विपक्ष को चुना। लेकिन राज्यों के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, आप गलतफहमी में मत रहिए। नाना पटोले जी से भी मेरा कहना है कि आप गलतफहमी में ना रहकर हवा में इतना मत उड़िए, नहीं तो जो वोटर है वो स्थानीय पार्टियों के साथ भी जा सकता है, स्थानीय लोगों के साथ भी जा सकता है। आप राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पक्ष के चक्कर में ना रहे। आप अगर चाहते हैं कि सभी समाज के, सभी धर्म के और मुस्लिम खासतौर पर मुसलमान आपका जो शुरू से वोटर रहा और आगे भी जो वोटर रहे, तो आप मुसलमान को राजनीतिक हिस्सेदारी बरोबर दीजिए, नहीं तो हमको मजबूरन सोशल मीडिया और ज़मीन पर कैंपेन चलाना पड़ेगा कि मुसलमानों की हिस्सेदारी जो देगा मुसलमान उसी को वोट दे। जय भीम, जय सम।